तो हेलो दोस्तों दोस्तों एक अमेरिकी हॉरर साइंस फिक्शन मूवी आ गई है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर टाइम कट के नाम से। और फाइनली मैंने इस मूवी को देखकर खत्म कर लिया है, वो भी हिंदी डब वर्जन में। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्थी है भी या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, दोस्तों कहानी है 2024 के अंदर, जहां पर लूसी नाम की एक लड़की है जो कि अपने माँ बाप के साथ आराम से रह रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शहर में एक साइको किलर आ जाता है जो कि एक के बाद एक लड़कियों को मार रहा है। और फिर लूसी किसी एक खास कारण से टाइम ट्रेवल करके 2003 में पहुंच जाती है और अपने फ्यूचर को बचाने के जद्दोजहद में लग जाती है। तो इसके आगे कहानी में क्या होगा, किस किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, आखिर ये किलर कौन है, क्यों ये मर्डर कर रहा है, अगर आप ये सब जानने के थोड़े से भी इच्छुक हो तो आप नेटफ्लिक्स की तरफ जा सकते हो। मूवी आपको हिंदी डब के अंदर देखने को मिल जाएगी और मूवी की लेंथ है 1 घंटा और 35 मिनट के आसपास। अब अगर इस मूवी का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करना चाहूँ तो बस मैं यही कहूंगा कि यह एक डिसेंट काइंड ऑफ पिक्चर लगी मुझे। परफॉर्मेंस की बात कर तो देखो दोस्तों, इस मूवी में जितने भी स्टार कास्ट है ना, चाहे वो लीड एक्टर्स है या फिर सपोर्टिंग कास्ट है, भाई सबका काम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। स्पेशली इसकी लीड एक्टर्स का, जिसने काम काफी अच्छा किया है, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज इस मूवी से आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बात करें पॉजिटिव की, देखो दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है ना वो काफी अच्छी लगी मुझे, जिसमें टाइम ट्रेवल जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को डिसेंट तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफी अच्छे से लिखा गया है, मूवी आपको बोर तो नहीं करेगी ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा दोस्तों मूवी की सिनेमाटोग्राफी, इसका BGM काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है ना वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। बात करें नेगेटिव की, देखो दोस्तों इस मूवी में कई सारी खामियां भी है। भाई साहब, जो इस मूवी में साइको किलर दिखाया गया है ना, उसके कैरेक्टर में आपको थोड़ी भी डेप्थ और इंटेंसिटी देखने को नहीं मिलेगी और उसको देखकर आप डरोगे तो बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। और उससे भी कमाल तो तब हो जाता है जब आपको इसके मोटिव के बारे में पता चलेगा कि इसका मोटिव क्या है, क्यों ये मर्डर कर रहा है, जो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। और दोस्तों इस मूवी का जो प्रोडक्शन वर्क है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा चीप फील हो रहा था, मतलब कि मूवी के ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया गया है। दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि ऑल इन ऑल यह है एक हल्की फुल्की डिसेंट सी पिक्चर है। तो अगर आपको साइको किलर और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पसंद है तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो। पैरेंटल गाइडलाइन की अगर बात करूँ, मूवी में एक दो जगह किसिंग सीन देखने को मिलेंगे, अगर उनसे प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। दोस्तों मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे आराम से 2.5 out of 5 stars। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू टाइम कट मूवी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई, इसमें कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।